गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, द वर्ल्ड्स अदर साइड। वर्ल्ड मीन्स संसार, संसार के दूसरी तरफ क्या है, इस बारे में पूरा चैप्टर है। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव टुगेदर इन द फॉरेस्ट। जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर सब मिलजुल कर रहते थे। ए फ्लावर वाज स्माइलिंग ऑन ए मेडो। मेडो क्या होता है, घास का मैदान, और वहाँ पे एक जो फूल है वो हसरा था मतलब खिला हुआ था। ए जिराफ केम देयर एंड टॉक टू द फ्लावर। तभी वहाँ एक जिराफ आया और उससे बातें करने लगा। जिराफ ने क्या कहा, यू लुक वेरी स्मार्ट टुडे, तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। तो फ्लावर ने कहा, आई एम स्मार्ट नो डाउट, हाँ इसमें कोई शक नहीं, मैं तो स्मार्ट हूँ, बट आई कैन नॉट मूव, लेकिन मैं तो चल नहीं सकता, एक ही जगह रहता हूँ। यू आर सो टॉल, जस्ट लुक एंड टेल हाउ द वर्ल्ड्स अदर साइड लुक्स लाइक। लेकिन तुम तो बहुत लंबे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ से संसार के दूसरी तरफ में क्या है, मैं तो यहाँ एक ही जगह रहता हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो जिराफ कहता है, द वर्ल्ड्स अदर साइड इज़ ब्यूटीफुल, यू कैन सी प्लांट्स एंड हिल्स एंड लेक्स, दीज ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, संसार जो है उधर की तरफ बहुत सुंदर है, वहाँ पे बहुत सारे झील हैं, पेड़ पौधे हैं, झरने हैं, और सब बहुत सुंदर हैं। तो फ्लावर कहता है, एंड एनिमल्स, वट एनिमल्स आर देयर, हाउ डू दे लुक, और वहाँ पे जानवर कौन से हैं और वो कैसे दिखते हैं। तो जिराफ कहता है, देयर आर नो अदर एनिमल्स देन जिराफ इन द वर्ल्ड्स अदर साइड। हाँ, वहाँ पे तो कोई भी जानवर नहीं है, सिर्फ जिराफ ही रहते हैं बस। ऑल ऑफ देम आर मोर ब्यूटीफुल एंड लार्जर देन मी, और वो सारे मेरे से भी ज़्यादा सुंदर और लंबे हैं। तो फ्लावर कहता है, आई डोंट थिंक यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मुझे नहीं लगता कि तुम सच कह रहे हो। जिराफ कहता है, इफ़ यू थिंक आई एम नॉट टेलिंग द ट्रूथ, यू कैन लुक फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तुम देख लो, नहीं लगता तो तुम्हें, जिराफ ने कहा। फ्लावर कहता है, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम, आई कॉन्ट मूव फ्रॉम माई प्लेस, जस्ट देन एन एलिफेंट केम देयर। तभी वहाँ पे एक हाथी आ जाता है। एलिफेंट कहता है, वट लाइफ वेयर, यू आर टॉकिंग समथिंग, क्या तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो। तो जिराफ कहता है, द फ्लावर वॉन्टेड टू नो वट एनिमल्स लिव इन द वर्ल्ड्स अदर साइड, आई कैन सी दैट देर आर ओनली जिराफ्स एंड नन एल्स। कि ये फूल कह रहा है कि दूसरी तरफ क्या है, तो मैं इसको ये कह रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ जिराफ हैं। तो एलिफेंट कहता है, इजंट देयर इवन ए सिंगल एलिफेंट, क्या वहाँ पे कोई हाथी नहीं है। तो जिराफ कहता है, नॉट इवन वन, ट्रस्ट मी, एक भी नहीं, विश्वास करो मेरा। एलिफेंट कहता है, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर हाइट, यू आर फॉर श्योर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, तुम अपनी लंबाई का फ़ायदा उठा रहे हो और तुम सच नहीं कह रहे हो। इस पैरो केम देयर एंड पर्च्ड ऑन द जिराफ्स हेड। तभी एक चिड़िया आती है और उसके जिराफ के सिर पे बैठ जाती है। पैरो कहती है, दिस जिराफ इज़ ए लायर, यह जिराफ एक झूठा है। इन फैक्ट देयर आर नो जिराफ्स, नॉट इवन वन इन द वर्ल्ड्स अदर साइड, वहाँ पे कोई भी जिराफ नहीं है। तो एलिफेंट कहता है, देन देयर मस्ट बी ओनली एलिफेंट्स, तब तो वहाँ सिर्फ हाथी होंगे। स्पैरो कहती है, नॉट एलिफेंट्स आइदर, दे आर ओनली स्पैरोज, वहाँ पे कोई हाथी नहीं, वहाँ पे सिर्फ चिड़िया हैं। ऑल ऑफ देम लार्जर देन मी, एज लार्ज एज ईगल्स, एंड ऑल ऑफ देम वेरी स्प्लेंडेड, और वो वहाँ पे जो चिड़िया इतनी सुंदर हैं, वो मुझसे बड़ी हैं, बाज की जैसी, और सारी बहुत ज़्यादा शानदार है, स्प्लेंडेड मतलब शानदार। सून मैनी एनिमल्स गैदर देयर, माउस, पिग, मंकी, फॉक्स एंड जैकॉब। तभी वहाँ पे सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या मामला है। तो पिग सुअर कहता है, वी पिग्स आर द मोस्ट न्यूमरस एंड दिस इज़ ट्रू इन द वर्ल्ड्स अदर साइड टू, हम सुअर बहुत खास है और वहाँ पे ज़रूर सुअर ही होंगे। तो मंकी कहता है, पिग्स ट्राई टू बी क्लेवर सो दे हैव बीन किल्ड, हाँ सुअर जो है बहुत चालाक बनते हैं इसलिए मारे जाते हैं। मंकीज आर द मोस्ट न्यूमरस सो देयर मस्ट बी ओनली मंकीज इन द वर्ल्ड्स अदर साइड। तो मंकी कहता है, वहाँ पे सिर्फ बंदर ही होंगे, मतलब हर जानवर अपने ही बारे में बोलता है कि वहाँ पे सिर्फ यही जानवर होंगे। फॉक्स कहती है, द ट्रूथ इज़ दैट देयर आर ओनली फॉक्सेज इन द वर्ल्ड्स अदर साइड, हम लोमड़ी कहती है कि वहाँ सिर्फ फॉक्स होंगी। जैकाल सियर कहता है, देयर कैन नॉट बी एनी अदर एनिमल्स देन जैकाल्स इन द वर्ल्ड्स अदर साइड, मुझे लगता है कि वहाँ पे सिर्फ सियार ही होंगे। तो माउस कहता है, एक्चुअली देयर आर ओनली माइस इन द वर्ल्ड्स अदर साइड, माइस मतलब प्लूरल है माउस का। तो जैकाल कहता है कि मुझे लगता है वहाँ पे सिर्फ चूहे ही होंगे, बिकॉज दे आर स्मॉल, क्योंकि वो छोटे होते हैं,
दे कांट बी सीन फ्रॉम सच ए लॉन्ग डिस्टेंस, और उनको लंबाई ज़्यादा दूरी से नहीं देखा जा सकता। एवरी एनिमल स्पोक्स व्हाट इट थॉट लाइक, नो डिसीजन कुड बी अराइव्ड एट, और अब सब जानवर अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे तो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाया। तो फॉक्स कहती है, वेल आई एम द क्लेवरेस्ट एनिमल, आई हैव ए सजेशन, वी कैन ऑल क्लाइम अप द जिराफ एंड लुक फॉर आवर सेल्फ व्हाट एनिमल्स आर देयर इन द वर्ल्ड अदर साइड। तो फॉक्स कहती कि मुझे लगता है कि हमें जिराफ पे खड़े हो जाना चाहिए और पता चल जाएगा कि कौन से जानवर है उधर। जिराफ कहता है, नो आई शैल नॉट टेक एनीबडी ऑन मी, नहीं मैं किसी को नहीं बैठाऊंगा, ऑल एनिमल्स टुगेदर, यू विल हैव टू टेक अस ऑन यू, नहीं तुम्हें बिठाना ही पड़ेगा हमें। ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट द एलिफेंट क्लाइम्ड अप द जिराफ एंड क्लेम देयर ऑन वर्जन। पिग, सुअर कहता है, सारे जानवर जिराफ पे चढ़ जाते हैं। सुअर कहता है, क्लाइंबिंग ओवर द जिराफ्स हेड दे आर ओनली पिग्स, सुअर चढ़ के कहता है कि मुझे तो सिर्फ है ना सुअर दिखाई दे रहे हैं वर्ल्ड के दूसरी तरफ। मंकी कहता है, देयर आर ओनली मंकीज। फॉक्स कहती है, देयर आर ओनली फॉक्सेस, वहाँ पे सिर्फ मुझे लोमड़ी दिखाई दे रही है। जेकाल सियार कहता है कि वहाँ पे सिर्फ सियार दिखाई दे रहे हैं, ओनली जेकाल्स देयर। माउस कहते हैं, ओनली माइस आर देयर, कि वहाँ पे मुझे सिर्फ चूहे दिखाई दे रहे हैं, सब अपने अपने बारे में बोलते हैं। तो जिराफ कहता है, माई नेक इज ऑलरेडी स्ट्रेनिंग एंड एकिंग, मेरी गर्दन बहुत दुखने लगी है तुम्हारे वजन से। नो मोर एनिमल्स शुड क्लाइंब अप नाउ, अब कोई भी जानवर नहीं चढ़ेगा। जस्ट देन ए टिमिड स्पीरल केम देयर एंड ही टू स्टार्टेड टू क्लाइंब अप द जिराफ, तब एक छोटी सी डरपोक गिलहरी आती है, वो भी चढ़ने लग जाती है। एज ही क्लाइंब अप द लॉन्ग लेंथ ऑफ द जिराफ हिज लेग्स टिकल द नेक, द जिराफ मूव्ड हिज हेड हेयर एंड देयर एंड विद इट, जैसे वो चढ़ती है जिराफ की गर्दन का बैलेंस बिगड़ जाता है। ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड ऑल ऑफ देम क्रैश टू द ग्राउंड, और सारे जानवर जो है धड़ाम से जमीन पे गिर जाते हैं। वन अबाउ द अदर, एक दूसरे पर, दे ऑल ग्रॉन्ड इन पेन, सारे दर्द से कराते हैं। द स्क्विरल वाज फ्राइटेंड, अब गिलहरी डर जाती है। फॉक्स कहती है, ऑल दिस इज दिस स्क्विरल्स फॉल्ट, सारी गिलहरी की गलती है। एवरीबडी फेल ड्यू टू हिम, और सब उसकी वजह से गिरे हैं। द जिराफ कुड नॉट टॉलरेट हिज वेट, क्योंकि जिराफ जो है इसका वजन को टॉलरेट नहीं कर पाया। तो एलिफेंट कहता है, बट ही वॉज ऑन द टॉप, वो तो ऊपर थी। ही मस्ट हैव सीन वट एनिमल्स आर देयर इन द वर्ल्ड्स अदर साइड, उसने जरूर देखा होगा कि संसार में दूसरी तरफ कौन से जानवर हैं। द स्क्विरल हैड नो करेज टू से दैट देयर वर ओनली स्क्विरल ऑन द वर्ल्ड्स अदर साइड, गिलहरी की हिम्मत नहीं थी कि वो झूठ बोलते कि उधर की तरफ गिलहरी हैं बस। तो स्क्विरल कहती है, द वर्ल्ड्स अदर साइड इज फुल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, कि उधर दूसरी तरफ हर तरह के जानवर हैं। द अदर एनिमल्स वर रिलीव दैट द स्क्विरल डिड नॉट टेल दैट देयर वर ओनली स्क्विरल्स इन द वर्ल्ड्स अदर साइड, अब सारे जानवर उसकी बात को मान लेते हैं, हाँ इसने सच बोला है। सो दे ऑल एग्रीड विद हिम, और सारे उससे एग्री हो जाते हैं कि हाँ उस संसार में दूसरी तरफ सिर्फ सारे जानवर हैं, एक ही तरह के जानवर नहीं हैं। अब इसकी बुक एक्सरसाइज में, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट किसने किसको कही थी। द वर्ल्ड्स अदर साइड इज ब्यूटीफुल, जिराफ ने। इजन देयर इवन ए सिंगल एलिफेंट, एलिफेंट ने। पिग्स ट्राई टू बी क्लेवर सो दे हैव बीन किल्ड, मंकी ने। वी कैन ऑल क्लाइंब अप द जिराफ एंड लुक फॉर आवर सेल्स, फॉक्स ने। नो मोर एनिमल्स शुड क्लाइंब अप नाउ, जिराफ ने। द जिराफ कुड नॉट टॉलरेट द हिज वेट, फॉक्स ने बोला था। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, द फ्लावर वॉन्टेड टू नो वट द वर्ल्ड्स अदर साइड लुक लाइक, ट्रू। द जिराफ टोल्ड द ट्रूथ दैट देयर वर ओनली जिराफ्स देयर, फॉल्स। ऑल एनिमल्स क्लेम दैट देयर रिस्पेक्टिव काइंड वॉज इन द वर्ल्ड्स अदर साइड, ट्रू। ऑल एनिमल्स क्लाइंब अप द एलिफेंट, फॉल्स। द जिराफ कुड नॉट बियर द वेट ऑफ द स्क्विरल, ट्रू। द स्क्विरल सेड देयर वर ओनली स्क्विरल्स इन द वर्ल्ड्स अदर साइड, ट्रू। नो एनिमल्स एग्रीड विद द स्क्विरल, ट्रू। ये यहाँ तक हम इसका करेंगे। उसके बाद ये है मैच कॉमन नाउन्स विद सूटेबल कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन को आपको कलेक्टिव नाउन से मैच करना है। ये एज ए पहले भी आपको रिवाइज किया था, इनको आप खुद से मैच करेंगे। जैसे कि नेम्स किसकी होती है, लिस्ट, नेम की क्या होती है, लिस्ट। इस तरह से आप इनकी मैचिंग करेंगे।
इसके बाद इसकी वर्कशीट है वर्ड मीनिंग। मीडो घास का मैदान, लेक झील, लायर झूठा, जैकाल सियार, एक दर्द या पीड़ा, टिमिड कायर, वर्जन नजरिया दृष्टिकोण, ग्रॉन दर्द से कराना, रिलीव निश्चित होना, स्प्लेंडिड शानदार, करेज हिम्मत। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस आर दोज दैट आस्क क्वेश्चन एंड हैव ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड। जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आर यू क्रेजी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू इंटरोगेटिव। शी वॉज लेट, तो हम इसको प्रश्नवाचक में कैसे बदलेंगे? वॉज आशु, वॉज आशु लेट, आशु वॉज लेट था तो वॉज आशु लेट। अंशु कैन सिंग वेल, तो इसमें वर्ब पहले आ जाए कैन अंशु सिंग वेल। माई मदर वॉज इल, वॉज माई मदर इल। मोहन इज एन आर्टिस्ट, इज मोहन एन आर्टिस्ट, पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर, व्हाट डिड द फ्लावर आस्क? द फ्लावर आस्क हाउ द वर्ल्ड्स अदर साइड लुक्स लाइक। व्हाट डिड द जिराफ्स रिप्लाई? द जिराफ रिप्लाइड दैट द वर्ल्ड्स अदर साइड इज ब्यूटिफुल। व्हाट डिड द पिग रिप्लाई? द पिग रिप्लाइड दैट पिग्स आर द मोस्ट न्यूमरस। व्हाट हैपेंड व्हेन ऑल एनिमल्स क्लाइम्ड अप द जिराफ? द जिराफ लॉस्ट हिज बैलेंस एंड ऑल ऑफ द एनिमल्स क्रैश टू द ग्राउंड। व्हाई डिड ऑल एनिमल्स एग्री विद द स्क्विरल? Because the animals relieved that the squirrel did not tell that there were only squirrels in the world's other side, so they all agreed with him. Stop करेंगे, thank you.